बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हम एक नया टॉपिक करने लगे हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या है ट्रायल बैलेंस? जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा कि जर्नल से हम लेजर तैयार करते हैं, डेफिनेटली आपने बनाए, मैंने चेक किए, टीचर्स ने चेक किए, और लेजर से एक और जो थर्ड साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल है, थर्ड स्टेप जो है उसमें बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस कभी भी जर्नल से नहीं बनता, ट्रायल बैलेंस हमेशा लेजर से बनता है। अब ज़रा उसकी ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिखिए। ट्रायल बैलेंस से मुराद, लिखे जल्दी, ट्रायल बैलेंस से मुराद ऐसा गोशवारा है, ट्रायल बैलेंस से मुराद ऐसा गोशवारा है जो लेजर की मदद से तैयार किया जाता है, जो लेजर की मदद से तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में तीन कॉलम्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस में तीन कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम की चौड़ाई जरा खुली होती है। ट्रायल बैलेंस के तीन कॉलम्स होते हैं, पहले कॉलम की चौड़ाई जरा खुली होती है, यानी ज्यादा होती है, क्योंकि उस खुले कॉलम में, पहले खुले कॉलम में, क्योंकि उस खुले कॉलम में हमने लेजर के टाइटल्स लिखने होते हैं, क्योंकि उस खुले कॉलम में हमने लेजर्स के टाइटल, यानी कैश है तो कैश लिखना है, अकाउंट रिसीवेबल है तो अकाउंट रिसीवेबल लिखना है, सेल्स है तो सेल्स लिखना है, यानी टाइटल्स लिखने होते हैं। और फिर आगे दो मुनासिब वक्फों से, और फिर उसी के आगे दो मुनासिब वक्फों से कॉलम बनाए जाते हैं, दो कॉलम बनाए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। दो कॉलम बना, मुनासिब वक्फों से दो कॉलम बनाए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इन कॉलमों में रकमों को लिखते हैं, इन कॉलमों में रकमों को लिखते हैं जो लेजर से ली जाती हैं, इन कॉलमों में रकमों को लिखते हैं जो लेजर से ली जाती हैं। लेजर से हर अकाउंट की बैलेंस सीडी वाली रकम ली जाएगी, लेजर से हर अकाउंट की बैलेंस सीडी वाली रकम ली जाएगी। आइए अब मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी बनाता हूं और बकायदा मैं ट्रायल बैलेंस बना के बताऊंगा, ठीक है जी। अब आगे जरा लिख लें, जो मैंने लिखवा दिया वहां तक उसके आगे लिखिए। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें, यानी डेबिट और क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें, यानी डेबिट और क्रेडिट, हमेशा बराबर आएंगी। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें, यानी डेबिट और क्रेडिट, हमेशा बराबर आएंगी। और अगर ये बराबर ना हुई तो सवाल गलत होगा, और अगर ये बराबर ना हुई तो सवाल गलत होगा। बस ध्यान में रख लें कि ट्रायल बैलेंस में लेजर में से जो बैलेंस सीडी है वो उठा के रिकॉर्ड करने हैं, लेजर में से बैलेंस सीडी की रकम उठा के रिकॉर्ड करनी है। डेबिट है तो क्रेडिट में आ जाएगी, क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगी, याद रख। फिर सुन लें, बैलेंस सीडी वाली रकम हमने लेनी है। अगर बैलेंस सीडी की रकम ट्रायल लेजर के अंदर डेबिट साइड पर है तो वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पर आएगी, अपोजिट जाएगी, और अगर बैलेंस सीधी क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट पर जाएगी, यानी अपोजिट जाएगी। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन को, वन के लेजर्स बने पड़े हैं। इधर मैं लिखता हूं ट्रायल बैलेंस, अब मैंने कहा था कि इसके पांच कॉलम बने,
डेबिट क्रेडिट और इधर लिखा जाएगा आइटम्स। बस आइटम्स हम लेजर से लेंगे, ये लेजर्स मौजूद हैं। ओके, अब पहला लेजर कौन सा है? कैश, और कैश का बैलेंस सीडी 45,000 रुपए है क्रेडिट। जरा गौर करिएगा कि पहला बैलेंस है कैश, कैश अकाउंट है, तो कैश का बैलेंस सीडी है 45,000। इधर लिखेंगे कैश और उसका बैलेंस सीडी है 45,000 क्रेडिट। अब अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर आएगा, तो ये कैश जो है 45,000 ये हम डेबिट साइड पर लिख लेंगे। क्लियर जी? क्योंकि एक्चुअली ये कैश है ही डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो क्रेडिट साइड पर हमने इसलिए लिखा था ताकि दोनों साइड इक्वल आ जाएं। इसी मुनासिबत से हमने इस 45,000 को फिर डेबिट साइड पर लिखा। अब आगे है सेल्स। क्या है सेल्स? सेल्स का बैलेंस शीट देखें, 40,000 रुपए से डेबिट है सेल्स। सेल्स का बैलेंस शीट देखें, 40,000 रुपए से क्या है? डेबिट। तो इसे हम किधर लिखेंगे? 40,000 से क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। यानी बैलेंस सीडी जो है वो अपोजिट साइड पर जाएगा। उसके बाद है जी सैलरीज। ओके, सैलरीज हैं तो सैलरीज का बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट है 5,000 रुपए से, तो इधर 5,000 रुपए से डेबिट साइड पर आ जाएगा। क्लियर जी? फिर उसके बाद आगे आगे कैपिटल। कैपिटल जो है उसका बैलेंस सीडी डेबिट है। ओके, तो इधर लिखेंगे कैपिटल, बैलेंस सीडी जो है वो डेबिट है 50,000 रुपए से, तो इधर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी, ये बैलेंस एक्चुअली क्रेडिट साइड का ही है, लेकिन चूंकि हमने बराबर करने के लिए डेबिट पर लिखा है तो जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो उसकी असल साइड पर ही लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब उसके बाद आ गया फर्नीचर है। फर्नीचर का बैलेंस सीडी 10,000 से डेबिट है। ओके, फर्नीचर 10,000 से क्रेडिट है, देखें क्रेडिट है, तो इधर डेबिट साइड पर आएगा। फिर उसके बाद आ गया जी लास्ट परचेसेस। ठीक है जी, तो परचेसेस इधर आ गया। परचेसेस का बैलेंस सीडी देखें क्रेडिट है 30,000 रुपए से, तो इधर डेबिट साइड पर आएगा 30,000 रुपया। तो इसके साथ ही हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। अब शर्त ये है कि ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी जर्नल की एंट्रियां ठीक हैं, उसके बाद हमने लेजर सही बनाए हैं, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस भी ठीक होगा और इसकी दोनों साइडें बिल्कुल रकमों के हिसाब से बराबर आएगी। अब देखें 40 और 50 90,000 रुपए आता है। अब इसी तरह से 45 और 50 50 और 10 40, 60 और 30 90,000, तो ये भी 90,000 है। आप टोटल कर लें, दोनों साइडें देखें इक्वल आई हैं, इसका मतलब है कि हमारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल दुरुस्त हैं। जब भी ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी जर्नल में एंट्री हो गई है तो समझ लीजिएगा जब आप लेजर बनाओगे तो वो अल्टीमेटली गलत होगा, और अगर लेजर में गलती हो गई है तो ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा। तो तीन स्टेप्स हमने चैप्टर नंबर 5 में सीखे हैं, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। अब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो बनाई थी उसका ट्रायल बैलेंस आप खुद बनाइएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के साथ जर्नल के साथ लेजर किए थे, ट्रायल बैलेंस आगे बना हुआ है पेज नंबर 107 पर, आप करिएगा खुद। और घर से जो करना है अब काम आपने, वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपके सामने पढ़ देता हूं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। नंबर 2, ओपनड बैंक अकाउंट विद ₹50,000, बैंक अकाउंट खुलवाया है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नंबर 3, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। 4 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। 5 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम कराची स्टोर्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। कराची स्टोर से 20,000 रुपए का माल खरीदा है, एंट्री होगी परचेजेस डेबिट कराची स्टोर्स क्रेडिट। 7 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। 9 तारीख को पेमेंट मेड टू कराची स्टोर्स ₹15,000 बाई चेक, कराची स्टोर्स वालों को पेमेंट की है चेक के जरिए की है, तो एंट्री होगी कराची स्टोर डेबिट बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक के जरिए जब भी अदायगी करोगे बैंक क्रेडिट होगा। नंबर 11 है,
चेक रिसीव्ड फ्रॉम रफीक एंड सन्स फॉर रुपीज 8,000 एंड पेड इनटू द बैंक। हमने रफीक एंड सन्स जिनको 8 तारीख को माल बेचा था 11,000 रुपए का, देखिएगा जरा, 8 तारीख को हमने इन्हें 11,000 का माल बेचा था, इनसे हमने चेक लिया है क्योंकि 8 तारीख की एंट्री थी रफीक डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्या थी? रफीक डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि माल बेचा था। 11 तारीख को उनसे पैसे ले लिए 8,000 रुपए चेक की सूरत में और उसे चेक को बैंक में जमा करवा दिया। जब हमने चेक लिया रफीक से तो एंट्री का थी बैंक डेबिट रफीक क्रेडिट, क्योंकि पैसे लिए और बैंक में जमा करवा दिए। आगे चलते हैं, 14 को गुड रिटर्न टू कराची स्टोर वर्थ रुपीज 1500, माल वापस किया है कराची स्टोर को, तो ये परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न। एंट्री हो जाएगी कराची स्टोर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, कराची स्टोर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद 16 को गुड रिटर्न बाय फ्रीक रफीक एंड सन्स फॉर रुपीज 1000, रफीक को जिसको माल बेचा हुआ था उसने 1000 का माल हमें वापस कर दिया, खराब होगा वापस कर दिया, ये सेल्स रिटर्न है। बाय आ जाए तो सेल्स रिटर्न है, रिटर्न के साथ बाय आ जाए, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा रफीक क्रेडिट होगा। फिर देख लें, अगर बाय आ जाए रिटर्न के साथ वो सेल्स रिटर्न होता है, एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट रफीक क्रेडिट। अगर आप चाहें तो जो मैं एंट्रीज बार बार दो तीन दफा रिपीट कर रहा हूं, आप रजिस्टर खोल के रखें और उसको लिख लें रफ सा करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह करनी है। 17 तारीख को कैश पेड टू कराची स्टोर 3400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। हमने 3400 रुपया कराची स्टोर वालों को दे दिया और फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, और हमें डिस्काउंट भी मिला 17 तारीख को। अब एंट्री ये है 3500 रुपया हमने उनका देना था कराची स्टोर डेबिट 3500 रुपए से, लिखें कराची स्टोर डेबिट 3500 रुपए से, ठीक है जी। कैश क्रेडिट 3400 रुपए से, कैश क्रेडिट 3400 रुपए से, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 100 रुपए से, क्योंकि हमने 100 रुपए का उनसे डिस्काउंट लिया है। इसी तरह से 20 को कैश रिसीव फ्रॉम रफीक एंड सन्स 1950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब रफीक एंड सन्स से देख लो कितने पैसे लेने हैं, 11,000 का माल हमने ने बेचा था, कोई मसला नहीं है, और उसमें से 8,000 हमें मिल गया था, ऊपर हमने पड़ा है 1,000 का माल वापस कर दिया था उसने हमें, बाकी रह गया 2,000। अब 2,000 में से 1950 हम वसूल कर रहे हैं, यानी कि मैं इधर लिखने लगा हूं, बेसिकली रफीक से हमने 11,000 रुपया लेना था, जिसमें से क्या किया है 8,000 ले लिया है, और इसी तरह 1,000 का उसने हमें माल वापस कर दिया था, तो 11,000 में से 9,000 को लेस कर दो, तो बाकी 2,000 लेना है वो ले लिया वो भी, और लिया 1950, कितना लिया है 1950। एंट्री होगी कैश डेबिट 1950 से, कैश डेबिट 1950 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 रुपए से, रफीक क्रेडिट 2,000 रुपए से। 22 तारीख की एंट्री है गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 2000, लॉस्ट बाय फायर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जल गई हैं, राख हो गई हैं, नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि गुड्स का नुकसान होगा तो परचेजेस क्रेडिट होती हैं। उसके बाद आ गया गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज 24 तारीख को ड्राइंग्स डेबिट, क्या आ गया ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, के मालिक जो है वो अपने जाती मकसद के लिए अशिया ले गया, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। 26 तारीख को परचेज अ टाइपराइटर फॉर रुपीज 5000 एंड पेड बाय चेक। हमने टाइपराइटर खरीदा कितने का, 5000 का, और चेक के जरिए रकम अदा की, टाइपराइटर डेबिट और बैंक क्रेडिट हो गया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स वर्थ रुपीज 2000, अशिया जो हैं वो फ्री सैंपल के तौर पर दी गई हैं, एंट्री होगी फ्री सैंपल डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ये मैं पहले करवा चुका हूं ये सारी एंट्रीज। पेड सैलरीज रुपीज 3000, रेंट रुपीज 2000 बाय चेक, सैलरीज और रेंट चेक के जरिए दिए हैं, खर्चे हैं ये, सैलरीज डेबिट रेंट डेबिट, और दोनों को जमा करके बैंक क्रेडिट। बड़े आराम से आप जर्नल सिर्फ बना के लाएं, नेक्स्ट आप इसके लेजर्स खुद बनाइएगा, सोच सोच के कि किस तरह से हमने लेजर्स बनाने हैं, लेजर बनाने मैंने आपको बता दिए हैं, और उसके बाद आपने इनका क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, गलत नहीं होना चाहिए, बड़े ही अच्छे तरीके से। इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 5 में इलस्ट्रेशंस थी, टोटल 3 थी, तीनों की तीनों इलस्ट्रेशन, 4 थी, 4 की 4 इलस्ट्रेशंस मैंने करवा दी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।